या सेक्स के बाद में आप ये गलतियां करते हैं उसके बारे में आज बातचीत करता हूं कि कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए सेक्स के बाद में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। देखिए काफी सारे लोगों को पेशाब में जलन की तकलीफ होती है और कोई कारण मिलता नहीं। कुछ लेडीज को स्पेशली हनीमून के बाद में वो आती है और बोलती है देखो हमको पेशाब में जलन चालू हो गई, और 3-5% लेडीज को हनीमून के समय पेशाब में तकलीफ होती है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इन्फेक्शन पेशाब का। तो लोग सवाल पूछते हैं क्या सेक्स के बाद में हमने पेशाब जाना चाहिए? तो मैं बोलता हूँ लेडीज में महिलाओं में सेक्स के बाद में पेशाब को जाना चाहिए और पुरुष वर्ग में सेक्स के बाद में पेशाब को नहीं जाना चाहिए, उल्टा है। अब इसके बारे में बताता हूँ विस्तृत क्या है। क्या है कि पुरुष वर्ग में सेक्स के बाद में पेशाब को नहीं जाना चाहिए। क्या है कि आप समझ के चलो कि यह है वीर्य की थैली, यह है पेशाब की थैली, दोनों से नलिका निकलती है अलग अलग, और वो दोनों से नलिका निकल के एक नली को बाद में ज्वाइन हो जाती है और फिर वो लिंग में रास्ता फिर एक ही होता है। देखो लिंग ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें से पेशाब भी होती है, सेक्स भी होता है और वीर्य भी बाहर निकलता है। क्या होता है कि जब वीर्य बाहर निकलता है जो नली से, तो जब वो नली से वीर्य बाहर आ रहा है तो इधर पेशाब की थैली की जो नली है वो बंद हो जाती है, और पेशाब की थैली की जो नली का है वो यदि चालू है मतलब पेशाब कर रहे है तो सेक्स की नली का बंद हो जाती है। मतलब कोई भी एक रास्ता खुल रहता हमारा पुरुष का, ये रास्ता खुले रहेगा वीर्य का या पेशाब का रास्ता खुला रहेगा। अब समझ लो सेक्स हो गया, सेक्स के बाद में यदि आदमी पुरुष पेशाब को जाता है, पेशाब आती नहीं जल्दी, क्योंकि क्या है पेशाब की जो नली है उसका रास्ता बंद है, उसका मुंह बंद है, तो फोर्स से उसका मुंह खोल के पेशाब करना पड़ता है। अब आप जोर लगा के यदि पेशाब करते हो और पेशाब आ रही है तो इधर वीर्य की नली का जो है वो पूरी बंद हुई नहीं है, होगा क्या कि थोड़ी सी पेशाब वीर्य नलिका में चली जाएगी, और जब वीर्य नलिका में चली जाएंगी तो वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करके वहाँ प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, वहाँ जो सेक्स ग्रंथियाँ हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है और बाद में फिर पेशाब में जलन हो सकती है। तो इसलिए पुरुष वर्ग ने सेक्स के बाद में पेशाब को जाना नहीं है, ये पक्का। अब उल्टा स्त्री ने सेक्स के बाद में पेशाब को जाना, क्यों? क्योंकि सेक्स होने के बाद में वजाइना में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मतलब रहता है, या नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरियल फ्लोरा रहता है, क्या होता है कि वजाइना के ऊपर ही पेशाब की थैली रहती है, पेशाब का छिद्र रहता है, यूरेथ्रा रहता है। अब सेक्स होने के बाद में यदि वहाँ से कुछ इन्फेक्शन यदि ऊपर जाता है मतलब पेशाब के द्वार के जरिए यदि वो अंदर जाता है इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया अंदर घुसते हैं सेक्स के समय क्योंकि झटके बैठते हैं, और झटके से समझो कुछ बैक्टीरिया उधर अंदर जाती है मूत्र द्वार में, तो क्या होगा मूत्र द्वार में वो बैक्टीरिया जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, और वो इन्फेक्शन यदि होगा वहाँ आएंगी सूजन, और फिर वो लेडी कंप्लेंट करेंगी कि मुझे पेशाब में जलन हो रही। अब यदि पेशाब कर डाल दिए सेक्स के बाद में तो वो जो बैक्टीरिया है वो ऊपर नहीं जाएंगे पेशाब के थैली में, वो ऊपर जाने कोशिश करेंगे तो पेशाब आके उसको बाहर ढकेल देंगी और वो रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए सिंपल कि सेक्स के बाद में स्त्री ने पेशाब को जाना चाहिए ताकि बाद में पेशाब में जलन होने का बीमारी नहीं होगी, और पुरुष वर्ग ने सेक्स के बारे में बाद में पेशाब को नहीं जाना चाहिए ताकि इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो ये हम गलतियाँ ना करें, और ये गलतियाँ जब करते हैं तो फिर तकलीफ होती रहती है, इन्फेक्शन होता है, और फिर लोग बोलते हैं कि हमको पेशाब में जलन हो रही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर स्पेशली हनीमून कपल को शेयर करो, उनमें ज़्यादा बीमारी होती रहती है और बाद में भी लोगों को बीमारी होती है मालूम नहीं है। तो शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच।